एक्चुअली मेरा करियर तो सलीला के साथ शुरू हुआ था, और जब मैं काम करने लगा फिल्म लाइन में, हाँ जी, मतलब एज ए गीतकार सॉन्ग राइटर, तो मतलब हर गीतकार का एक सपना होता है, तो मुझे दूसरे जो कंपोज़र थे वो बर्मन दा बहुत पसंद थे, और उनके गाने जब मतलब बच्चा था तब भी, तो मगर उन तक पहुंचना, मतलब मैं उनके बारे में जो इंडस्ट्री में बातें थी कि वो दादा जो हैं वो किसी को पास नहीं खड़ा, बड़ा मुश्किल है मतलब वहाँ तक पहुँचना, अच्छा। तो खैर वो तो मैं सोच ही नहीं सकता था, अच्छा। मगर मेरी मतलब इससे पहले एक फिल्म बासु चटर्जी जिन्होंने सारा आकाश बनाई थी, वो बहुत मतलब बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, तो मैं उनका फ़ैन था। तो आनंद मेरी रिलीज़ हो चुकी थी, और आनंद और अन्नदाता दो फिल्में सलीला के साथ, अच्छा। तो मुझे सलीला ने बोला कि एक डायरेक्टर हैं बासु चटर्जी, ज़रा उनसे मिल लेना, उन्होंने बोला है कि वो योगेश को भेज देना, अच्छा। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और उनके साथ मैंने रजनीगंधा फिल्म की थी, रजनीगंधा के गाने बहुत अच्छे थे, मैंने लिखे थे इसलिए नहीं, मगर बहुत दो ही गाने थे मगर बहुत अच्छे गाने, एक गाने में उसमें मुकेश जी को नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो वो एक फिल्म जब नेक्स्ट उस पार करके बना रहे थे, तो उसमें उनको उन्होंने मुझे बोला कि दो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो सोच ले कि किसके साथ काम करना है, अच्छा। तो जब उन्होंने नाम लिया तो एक तो एस डी बर्मन जी का नाम लिया, बासुदा ने, अच्छा। और एक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, अच्छा। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी तो मुझे मिल सकते थे, हाँ। मगर मेरा मन था, मतलब ड्रीम भी था कि मैं बासु बर्मन दा के साथ काम कर पाऊँ, मगर वही प्रॉब्लम थी कि बर्मन दा के यहाँ अगर बर्मन दा का नाम मैंने लिया तो बासुदा तो बोलेंगे कि तुम फाइनल करो, अच्छा। मगर मैं उनको जानता ही नहीं हूँ, और वो किसी को मतलब अजनबी और अननोन लोगों को ऐसा सुना था मैं। एक सुरेश कुमार भी म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो जाते थे दादा से कुछ 10 रुपये था शायद चंदा, चंदा मतलब देना पड़ता था, जैसे हमारे राइटर एसोसिएशन है ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर, हाँ। तो हम बर्मन दा के उनके साथ जाते थे कि दादा को देखेंगे, तो दादा जेट बिल्डिंग में रहते थे, खार, हाँ। और बांद्रा के बीच में, तो दादा कभी आते नहीं थे, वो जब सुरेश जी जाते थे और पता लगता था कि रेट्रो स्टेशन का पैसा लेने के लिए आए हैं, तो वो बालकनी तक आते थे और ऊपर से 10 रुपये का नोट फेंकते, लो उठा लो। तो और दूसरा मतलब ऐसा सुना था कि आनंद बख्शी को उनके साथ काम करना था, तो वो फुटबॉल खेलने जाना पड़ता था, साथ में जाना पड़ता था, मतलब वो अगर वो नहीं जाएंगे तो करीब नहीं आ पाएंगे, ऐसा सुना था, अच्छा। तो ये सब सुन के मैं डरा हुआ था, मैंने बोला कि मैं तो जानता भी नहीं, और वो थोड़े से बड़े रूट टाइप के रिजर्व टाइप के आदमी हैं, तो पता नहीं क्या होगा। तो मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं अभी, चलो दादा को बोल देते हैं, बासुदा को कि लक्ष्मीकांत जी को ही ले लेते हैं, अच्छा। क्योंकि वो लक्ष्मीकांत जी मुझे जानते थे, और मैं 3 साल उनके यहाँ गया हूँ, थोड़ा दोस्त लेबल पे थे उस टाइम पे, भले ही काम उन्होंने मुझे नहीं दिया, एक ही गाना जीवन में लिखवाया उन्होंने। तो मेरे दिमाग में एकदम आया कि मन्ना दा से मेरा बहुत अच्छा था ट्यूनिंग, और मन्ना दा उन दिनों रहते थे ये अपना बांद्रा में एक पार्क था, वहीं पर उनका था, और शायद ये बंगलो उनका बनने वाला था यहाँ पर, जूपाड़ा स्कीम वाला। तो मैंने मन्ना दा को एक दिन फ़ोन किया, मैंने बोला दादा एक फिल्म शुरू हो रही है, उसमें दो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लक्ष्मीकांत जी और दादा एस जी बर्मन जी, तो आप बताइए मैं किसके साथ काम करूँ। तो दादा एकदम गुस्से में बोले फ़ोन पे, लक्ष्मीकांत तुमको बहुत मिल जाएगा, दादा की तरफ से मिलेगा। मैंने बोला वही तो मैं डर रहा हूँ दादा कैसे क्या बोले, लक्ष्मीकांत मिल जाएगा, लक्ष्मीकांत बहुत पता, आगे कभी भी काम कर सकते हो, हाँ, वो बर्मन दा आपके साथ काम करना। तो मैंने बोला इसीलिए तो मैंने आपको फ़ोन किया, अच्छा। क्योंकि अगर मैं बात वहाँ गई और उन्होंने मना कर दिया, नहीं हम कोई नया आदमी के साथ काम नहीं करेंगे, तो मेरा क्या होगा, अच्छा, आपको डर था, हाँ। तो मन्ना दा ने बोला कि ठीक है योगेश जी, एक काम करता हूँ मैं, जरा फील्डिंग करता हूँ। तो एक मैंने बोला फील्डिंग करता हूँ मतलब, फील्डिंग मतलब उनको कन्विंस मेरे बारे में बताना, अच्छा, जो पहले बात किया, प्रिपेयर करेंगे उनको, हाँ, उनको प्रिपेयर करेंगे, हाँ। तो एक दिन आया फोन मन्ना दा का, बोला कि योगेश जी आप पहुँच जाइए 10 बजे जेट में, हाँ। तो
मैं डरते डरते गया तो देखा तो दादा लेटे हुए थे, मालिश हो रही थी उनकी फर्स्ट फ्लोर में। हाँ अच्छा, मालिश हो रही थी। बोला देखा, ऐसा देखा योगेश? मैंने बोला हाँ दादा। मन्ना बाबू ने बोला तुम्हारे बारे में, बैठो। तो मैं बैठ गया, बैठे रहे अपना, ना वो कुछ बोल रहे ना मैं कुछ, तो उनकी मालिश तो चली रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद बोला तुम गाना लिखते, गान लिखता है? मैंने बोला हाँ मैं लिखता हूँ। क्या लिखा? तो मैं डर गया। मैंने बोला क्या लिखा, मतलब मैं क्या गा के सुनाना पड़ेगा, या अगर मैं पढ़ू पढ़ के बोलूँगा तो उनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। मैं इसी उसमें था। तो मैंने बोला कि मैं एक ऋषि बाबू की पिक्चर है ऋषिदा की, आनंद, उसमें मैंने सलील चौधरी जी का। अच्छा अच्छा तुम लिखा उसमें? हाँ हाँ सलील ऋषि बाबू अच्छा, बहुत अच्छा डायरेक्टर है और सलील चौधरी गुणी आदमी है। तो फिर मुझे कुछ वो सुनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर उन्होंने बोला हम सुना आनंद का गाना अच्छा है, आनंद गाना अच्छा है, तुम एक काम करो, कौन प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है? तो मैंने बताया बासु चटर्जी। तो कैसा है? मैंने बताया अच्छा है, उनकी रजनीगंधा गंदा फिल्म तो बहुत ही तारीफ प्रेस ने भी की है, जुबली भी हुई है। बोला तुम लेके आना उनको और हम लिखाएगा तुमसे, मगर हमको पसंद नहीं आएगा तो भगा देगा, तो इधर मत लगाना। अच्छा, दिल में मत लगाना। मैंने बोला ठीक है दादा। तो फिर हम वासुदा को लेके गए, कहानी स्टोरी सिटिंग हुई, ये हुई वो हुई। फिर उन्होंने ट्यून कंपोज की और कंपोज करके और मुझे बोला कि तुम लिखो इस पे। और अच्छा। हम बोला पहले हमको अच्छा नहीं लगेगा तो हम तुमको निकाल देगा, फिर बोले तो इधर मत लेना। हाँ दादा, मैंने दिल में नहीं लगेगा, मैं डर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि एक राइटर है, बहुत अच्छा राइटर, बहुत अच्छा है, हमको उस तरह का गाना चाहिए यहाँ पे। मैं कौन दादा? बोला गुलजार। गुलजार है ना, ओ हमारा एक गाना है ना, मोरा गोरा अंग लई दे, मोरा श्याम रंग दई दे, ऐसा एक गाना हमारा बहुत अच्छा लिखा। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं ट्यून दे करके, एक बंगाल के डायरेक्टर थे प्रभात मुखर्जी, वो उन्होंने हमको एक टेप रिकॉर्डर दिया था। टेप रिकॉर्डर नया नया चला था, उसके पहले टेप रिकॉर्डर नहीं होता था। अच्छा, तो उसमें हमने दादा का गाना रिकॉर्ड कर लिया, ट्यून दादा का ट्यून रिकॉर्ड कर लिया। हाँ, जो ट्यून बनाए थे। हाँ, रिकॉर्ड करके हम आए। अब हम आके सीधा घर पे आए, कहीं जाना नहीं है। अभी जितने मुखड़े लिख सकते हो उतने मुखड़े लिखते हैं। तो हमने बहुत कोशिश की, तो 7 मुखड़े हमने लिखे। हाँ, 7 मुखड़े ले करके और फिर सीटिंग हुई, हम पहुँचे। सुनाओ दादा ने बोला। तो हमने पता नहीं दादा पढ़ लेते थे क्या, मुझे मैंने गाना 7 मुखड़े उनको लिख करके उनके हारमोनियम पे रखे थे, इतना मुझे मालूम है हिंदी में बड़े बड़े अक्षरों में। तो वो देख रहे थे, देखते तो मैं बड़ा वो इम्पेशेंट हो रहा था। मैंने बोला अरे अभी क्या होगा, अभी निकाल देंगे क्या, कि मन में क्या चल रहा है इनके। तो देखते रहे। फिर उसके बाद मैंने बोला दादा, मैंने आगे भी ऐसा करके देखा मेरी तरफ, फिर उधर ही देखते रहे। अब मैं और मैंने बोला हे भगवान क्या कर रहे हैं दादा, मैंने और भी ये 7 मुखड़े आगे और भी है। तो चिल्लाए दाड़ो, क्या बोले दाड़ो, मतलब बंगाली में चुप। फिर वो हारमोनियम उन्होंने पहला वाला जो था पहला मुखड़ा, वो जो मैंने गुलजार के स्टाइल में जो उन्होंने गुलजार बोल दिया था, तो वो मैंने, अब वो उसको हारमोनियम पे देख रहे हैं और मैं फिर मुझे अंदर से खलबली मची हुई है कि बंगाली आदमी इतना काम कर चुके, मगर मुझे तो लग रहा है कि ये हिंदी में वो कहीं कोई वर्ड फंस गया इनको। तो मैं धीरे धीरे गुनगुनाने लगा उसको साथ में। तुम गाता है? मैंने बोला नहीं नहीं दादा, गाता नहीं, वो धुन के लिए गा गा गा। अब मैं बड़े कांपते डरते उनकी ट्यून थे, वो उसी लाइन को दोहराया। फिर वो उसी को बजाते रहे, बोला अभी तुम आगे सब इसको करके आओ, अच्छा है अच्छा। तो वो था गाना, तुमने पिया दिया मुझको सब कुछ अपनी प्रीत दई के, या राम करे हुई बीते जीवन तुमरे गीत गई के, ब्यूटीफुल। तो फिर आगे मैंने थोड़ा बंगाली सेंटिमेंट्स को, मैं हूँ ऐसी भोली जैसे चिराजिका कान्हा की प्रेमिका, ये सब कर करा के। तो इस तरह पहला गाना हमारा जो है, मतलब वो हिंदी पढ़ लेते थे हिंदी, मैं तो देखा हूँ, मतलब मैंने तो ऐसे रखा उनके। हाँ, हिंदी पढ़ लेते थे हिंदी पढ़ लेते थे ब्यूटीफुल।
और उसके बाद फिर ये जब गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो एक उनकी सिंसियरिटी या उनका जो भी कहिए, क्योंकि मैंने देखा था ये दो चार म्यूजिक डायरेक्टरों में ही मैंने देखा, जिसमें सलील दा भी इसमें से एक हैं, हाँ 44 म्यूजिशियंस की लिस्ट थी जो अरुण पौडवाल ने और अनिल मोहले जी ने दी थी, हाँ। दादा को म्यूजिशियन की लिस्ट। तो जब वो देख रहे थे तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हमको इतना म्यूजिशियन नहीं चाहिए, 44 म्यूजिशियन काम को, हमको 22 म्यूजिशियन चाहिए। उन्होंने 20 म्यूजिशियन निकलवा दिए, जबकि लोग ज़्यादा म्यूजिक डालते थे, लोगों का ऐसा था। तो इस तरह सिंपल सिटी के साथ बस फिर तो एक गाना हो गया, तो फिर मेरा आना जाना, फिर वो बड़ा प्यार भी करने लगे और इस तरह मैं उनके साथ इन्वॉल्व हुआ। और फिर उन्होंने बोला कि अभी तुम साथ में काम करेंगे, ऐसा है ऐसा है, तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने बोला एक टॉप का लीजेंड आदमी जो है वो ऐसा बोल रहा है मुझे,